नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं बात करूंगा मेरे फेवरेट स्टॉक, जो स्टॉक्स मेरे फेवरेट हैं जिसमें मैं अक्सर स्विंग ट्रेडिंग करता हूं और जिसमें मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं। मतलब मैं जिसको ज्यादा फेवर देता हूं, मतलब ज्यादा मैं जिसको अपना मानता हूं, जैसे ये स्टॉक मेरे अपने हैं, जैसे ऐसा मेरे को लगता है कि ये स्टॉक मेरे को पैसा बना के देंगे, ऐसे स्टॉक जो मेरे फेवरेट हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मैं वॉच लिस्ट आज मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और जो भी मेरे दोस्त सज्जन मित्र जो भी नए मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने वो स्टॉक टॉप 20, जैसे 20-20 होता है ना मैच खेलते हैं, वैसे मेरे भी 20 स्टॉक्स हैं जिसे मैं अक्सर स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाता हूं और जिसमें मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, और जो मतलब बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं आज उनके उनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला स्टॉक्स जिसमें मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं ज्यादा और स्विंग पोजिशन जिसमें बनाता हूं, वह है एशियन पेंट। एशियन पेंट जो है मेरा काफी फेवरेट स्टॉक है और यहां पर आप ये चार्ट देख रहे हैं और ये देखिए एशियन पेंट आपको जैसा दिखाई देगा, लास्ट जो है एशियन पेंट कभी भी आज तक अपने 200 मूविंग एवरेज को इसने कभी भी क्रॉस नहीं किया है। ये मैं आपको 2003 से आपको ये चार्ट ये मेरे सामने है। तो इस एशियन पेंट ने कभी भी जो है ये 200 का भी ये मूविंग एवरेज लगा है जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं। तो इसने मैं इसको जो है ना थोड़ा और डार्क कर देता हूं तो जैसे आपको ये अच्छे से दिखाई देगा। हाँ ये हो गया डार्क, ये है 200 का मूविंग एवरेज और ये देखिए कंटिन्यू ही ये अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये ट्रेड करता आ रहा है। तो पहला स्टॉक है मेरा एशियन पेंट जिसमें मैं अक्सर ट्रेड करता हूं। दूसरा स्टॉक है मेरा बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस भी आप ये देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस भी अपने लाइफ में कभी भी 200 मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस नहीं किया। जब ये 10 रुपए पर भी ट्रेड कर रहा था उस टाइम भी अपने 200 मूविंग एवरेज से ऊपर था। ये मैं आपको 2010 की बात बता रहा हूँ। ये देखिए 2010 में ये स्टॉक नियर अबाउट कितने 20-25 रुपए का स्टॉक होता था आज, और ये देखिए 4,000 रुपए का स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक में क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रेड करिए, क्वालिटी स्टॉक में पोजीशन बनाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तब भी क्वालिटी स्टॉक में जो है अपनी पोजीशन बनाइए, म्यूचुअल फंड वगैरह के पीछे मत भागिए। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है तो आप अपने पैसे अपने स्टॉक्स खुद सेलेक्ट करिए। म्यूचुअल फंड में आपको 15 से 18% भी रिटर्न मिलती है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल पाती है। तो आप अपने स्टॉक्स की सिलेक्शन खुद करिए, अपने स्टॉक्स में जो है खुद पैसे लगाइए, अपने पोजीशन अपनी खुद बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ वो क्वालिटी स्टॉक है कि नहीं है, उसकी एनुअल रिपोर्ट चेक करिए। तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड करिए जिस जो अपने अधिकतर मतलब अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा बजाज फिनजर्व। तो बजाज फिनजर्व भी देखिए, देखिए मैं आपको लास्ट मतलब मेरा मोटिव है कि मतलब लास्ट जो है 5 से 10 सालों की जो पीरियड है उसमें अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही हो। तो ये देखिए ये भी जो है नियर अबाउट, मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट कहाँ तक आ रहा है। ये चार्ट जो है हमको मिल रहा है 2008 से, तो 2008 से लेकर आज तक इसने भी जो है बजाज फिंसर्व में अपने 200 मूविंग एवरेज को कभी क्रॉस नहीं किया है और ये नवे हायर हाई बनाते हुए ऊपर को निकल गया है। नेक्स्ट स्टॉक है जो है मेरा वो है बजाज ऑटो, जिसमें बजाज ऑटो ये देखिए अब जो है 2018 के बाद जो है ये एक साइडवेज मूवमेंट में आ गया था। ये वीकली चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 2008 तक तो ये जो है कंटिन्यू जो है इसने नवे हायर हाई बनाए। ये देखिए ये 200 के मूविंग एवरेज ये ग्रीन कलर का जो है और ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ 2008 से ये चार्ट है। तो 2008 से 2018 तक ये कंटिन्यू अपने हायर हाई बनाते चले, हायर हाई हायर लो बनाते चले गया। तो यहां पर भी देखिए इसने जो है 200 के मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, तो जो है इसने एक लो बनाया बट यहां पर ये सपोर्ट लेकर जो है 2450 रुपये पर सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ निकल गया था। नेक्स्ट टाइम फिर ये जो है उसने इस लेवल को टेस्ट किया और यहां पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया और डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद यहां पर एक हैमर बनाया, उसके बाद फिर ऊपर निकल गया, फिर इसने 2450 के ही लेवल को टेस्ट किया।
2450 के लेवल को इसने फिर जो टेस्ट किया वो जुलाई 19 में किया। इसमें मेरे पास कुछ स्टॉक पड़े हुए हैं, नियर अबाउट 2580 के लेवल पे शायद मैंने खरीदे थे इसको, और मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ इसमें ऐड करते जाता हूँ। तो ये देखिए, इसने जो है ट्रिपल बॉटम यहां पर बनाया। ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद यहां पर जब इसने हैमर बनाई थी उसके बाद मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी। ये भी जो देखिए अभी भी अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है जो है दैट इज माई बिटानिया। बिटानिया भी आप ये देख सकते हैं। आप जो है ना एक स्टॉक का बिहेवियर समझिए कि स्टॉक कैसे बिहेव करता है, स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है, स्टॉक में प्राइस की मूवमेंट कैसी होती है, स्ट्रेटजी के पीछे मत हमेशा भागिए कि मेरे को ये स्ट्रेटजी मिल जाए वो स्ट्रेटजी मिल जाए। देखिए ये कोई जादू नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा तो आप जो है मतलब शेयर मार्केट में पैसा कमा लेंगे। शेयर मार्केट में पैसा सिर्फ दो तरीके से कमाया जा सकता है। शेयर मार्केट में पैसे सिर्फ दो तरीके से कमाया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज होती है इसमें मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करने लग गए तो आपकी अगर स्ट्रेटजी अगर बहुत अच्छी नहीं भी है तब भी आप जो है एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। और सेकंड चीज आपकी जो होती है दैट इज माइंड सेट। माइंड सेट आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। अपने इमोशन को अपने घर में रख दीजिए, इसको उठा के बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। अपने दिमाग को जो है बिल्कुल कूल माइंड से ट्रेड करिए जब भी आप ट्रेड करते हैं। तो ये जो बता रहा हूं मैं बिटानिया, बिटानिया भी देखिए पिछले 10 सालों से कंटिन्यू है अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। नेक्स्ट जो मेरा स्टॉक है वो है HDFC। HDFC भी ये है, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं। ये भी 2008 से मैं आपको दिखा रहा हूं, वैसे पीछे का तो चार्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, देखता हूँ कहाँ तक है। ये मेरे पास आ रहा है चार्ट 1997 से, इसका चार्ट आ रहा है, ठीक है। 1997 में ये स्टॉक 4 रुपये का हुआ करता था, तो आज देखिए ये 2300 रुपये का स्टॉक है। और ये देखिए 1997 से लेकर 2019 तक, मतलब इन 22 सालों में इसने कभी भी अपने 200 वीकली चार्ट में 200 के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया है। तो ये क्वालिटी स्टॉक है, इसलिए जो है मैं क्वालिटी स्टॉक्स अपने पास अपने पोर्टफोलियो में मैंने रखे हुए हैं, और क्वालिटी स्टॉक्स में ही मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूं, और क्वालिटी स्टॉक्स में ही मैं अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग भी करता हूं। ज्यादातर फोकस मैं अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग पर देता हूं जो 5 से 10 दिन की होल्डिंग होती है, और इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब बहुत कम करता हूं, 2 से 3 ट्रेड, और वीक में 3 से 4 दिन मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं। बट जो है मैं पोजिशनल ट्रेड पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं क्योंकि पोजिशनल ट्रेड से ही पैसे बनता है। इंट्राडे ट्रेड से पैसे बनते हैं बट उसके लिए आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प अब जो है वो इसने जो है 200 के मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस कर दिया है। अब शायद अगर ये 2200 का अगर लेवल ये तोड़ देगा तो इसको मैं अपनी वॉच लिस्ट से आउट कर दूंगा। तो ये हीरो मोटोकॉर्प भी आप ये देख सकते हैं, ये पिछले जो है 10 सालों से कंटिन्यू अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रहा था। और अब देखिए ये जो है इसने 2000 जनवरी में जो है इसने अपना 200 मूविंग एवरेज का लेवल क्रॉस कर दिया है और कंटिन्यू नीचे की तरफ ही सस्टेन कर रहे हैं। बट अगर ये मेरे ख्याल से अगर ये 2950 का लेवल निकालता है तो 2950 का लेवल निकालने के बाद ये जो है 3200 रुपये, 3200 अगर क्रॉस करता है उसके बाद फिर ये जो है अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा। देखिए किसी स्टॉक से प्यार मत करिए, किसी स्टॉक से शादी मत कर लीजिए कि नहीं मैंने इसी स्टॉक में ट्रेड करना है। अगर उस स्टॉक ने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है, उस स्टॉक ने आपको धोखा दे दिया है समझ लीजिए, जिसको हम कह सकते हैं, अगर उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, अपने जो है उस लेवल पर आप काम नहीं कर रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है या फिर कुछ ऐसी कोई इसमें न्यूज आ गई है, तो आप उसको अपनी वॉच लिस्ट निकाल के बाहर करिए। अगर दोबारा फिर कभी उसके दिन बदलेंगे, कभी फिर अगर वो अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा या हमारी जो कैटेगरी में आएगा तो हम उसको फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस भी जो है पीछे कंटिन्यू जो है अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही जो है ये सस्टेन कर रहा था। अब देखिए अब इसने जो है अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे इसने कंटिन्यू ट्रेड करना चालू कर दिया है। अभी देखिए इसने जो है इसका मैं आपको दिखा देता हूं, इसने हाई लगाया था मेरे ख्याल से 1500 के नियर अबाउट इसने हाई लगाया था, और आज की डेट में ये देखिए इस स्टॉक ने लो लगाया है। ये है कितना 165 का लो लगाया। अब ये जो है कंटिन्यू जो है ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, बट कल इसमें एक शार्प जो है डाउनफॉल आया, तो
तो इसमें थोड़ा अलर्ट होकर ट्रेड करिए। ये जब आपको 360 के ऊपर अगर जब ये मिलता है, तब इसमें आप अपनी पोजीशन थोड़ी 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 करके ऐड कर सकते हैं। बट इसमें स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहिएगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है अब वो उस कैटेगरी में नहीं है जिस कैटेगरी में मेरे और ये सब स्टॉक रखे हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी वॉच लिस्ट शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरी वॉच लिस्ट का जो स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक भी देखिए, ये कंटिन्यू जो है पीछे, ये देखिए कंटिन्यू जो है पिछले अपने 10-12 सालों से अपने 200 मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। इधर ये देखिए, यहां पर जो है कुछ नीचे जरूर आया था, बट ये सपोर्ट लेकर इसने ये सपोर्ट ली थी। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना यहां पर, ये जो सॉरी यार डिविडेंड, ये जो वहां बना हुआ है, ये जो इसका रेजिस्टेंस था, यहां पर इसने सपोर्ट लिया है नियर अबाउट 1220 के लेवल पर। तो ये सपोर्ट लेकर फिर जो है इसमें अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अब निकलने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है, इसको अपने वॉच लिस्ट में अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज रिलायंस। तो आप ये देखिए, रिलायंस ने भी अपने जो है कंटिन्यू ये है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही जो है ये काम कर रहा है। पीछे ये जो है अपना 12-13-14 में ये जो है 200 मूविंग एवरेज के नीचे इसने कुछ टाइम बिताया था, बट उसके बाद जब ये अपना 2014 में जब ये आ गया अपना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, उसके बाद इसने इसी को कंटिन्यू होल्ड करते हुए हायर हाई हायर लो बनाते हुए आज जो है लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। तो ये भी ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। नेक्स्ट है मेरा एक, मैंने गवर्नमेंट बैंक में रखा हुआ है SBI। आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये आज ये मॉक ट्रेडिंग चल रही है, सैटरडे है, आज मॉक ट्रेडिंग चल रही है, तो आप इस कैंडल को इग्नोर करिएगा। तो SBI मेरे उस कैटेगरी में नहीं आता है 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर जो है इसने कंटिन्यू जो है सस्टेन किया हो, उस कैटेगरी में नहीं आता है। बट ये एक मेरा फेवरेट स्टॉक है। SBI से मैंने काफी पैसे बनाए हैं, बहुत ही अच्छे पैसे बनाए हैं मैंने SBI से। सो मैं SBI को अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूं। और ये देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर जो है 200 का मूविंग एवरेज इसके बीच में घूमता रहा, इसका मतलब यहां पर ये साइडवेज हो गया था। ये नीचे जाता था 150 पर, 150 से सपोर्ट लेके ये जाता था 300, 350 तक जाता था, तो मतलब 200 रुपए की इसमें अक्सर मूवमेंट हो जाती थी। तो ये मतलब मेरी उस कैटेगरी में नहीं आता है, बट इसको जो मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूँ, बिकॉज इस स्टॉक से मैंने अच्छे पैसे मैं निकाल लेता हूँ, इसलिए जो है मैं SBI मेरे फेवरेट स्टॉक है। नेक्स्ट है मेरा टाइटन। टाइटन ये देखिए, तो ये जो मैं आपको सारे स्टॉक्स बता रहा हूं ना, आप भी कोशिश करिए कि आप बहुत ज्यादा चीजों के पीछे मत भागिए। 250 स्टॉक जो है FNO में है, उसके बाद फिर Nifty 50 में स्टॉक है, और कितने कितने सारे स्टॉक है ना, इतने 2000 के नियर अबाउट स्टॉक है। तो आप सभी स्टॉक के पीछे मत भागिए, अपने एक 10 से 15 पांच स्टॉक कर लीजिए, या 10 स्टॉक कर लीजिए, या 20 स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक रखिए। जैसे निफ्टी 50 में से आप अपने लिए 10 स्टॉक उठा लीजिए और आप कंटिन्यू उसी में ट्रेड करिए। देखिए आप जो है उस स्टॉक्स के आप बिहेवियर समझ जाएंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि इसका सपोर्ट कहाँ है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, ये कहाँ पर आके जो है बाउंस बैक करता है, या कहाँ पर जाके ये जो है डाउनफॉल इसमें आता है। तो आप बहुत ज्यादा स्टॉक के पीछे मत भागिए, इसलिए कुछ अपने स्टॉक जो है अपने फेवरेट स्टॉक बना के अपनी वॉच लिस्ट में उसको रखिए, आप उसमें ट्रेड करिए, आप स्टॉक के बिहेवियर को समझ जाएंगे तो पैसा बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट है वो है मेरा ACC सीमेंट। तो ACC भी देखिए, ये जो है ये भी उस कैटेगरी में नहीं है अपना 200 मूविंग एवरेज जो कंटिन्यू ऊपर ही सस्टेन करता रहा हो, लेकिन ये भी लाइक मेरा SBI की तरह ही है। तो ACC भी जो है मुझे काफी अच्छे पैसे बना के देता है, तो अक्सर मैं ACC में ट्रेड करता रहता हूँ। नेक्स्ट है मेरा अपोलो हॉस्पिटल। मेरा उस कैटेगरी में नहीं है पहले बता देता हूँ, लेकिन जो है अपोलो हॉस्पिटल से भी मैं ज्यादातर, मैं SBI हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, और ACC, ये जो तीन है मेरे, ये तीन मेरे इंट्रा डे के स्टॉक्स हैं ज्यादातर। इन तीन स्टॉक्स में ज्यादातर मैं इंट्रा डे ट्रेडिंग करता हूँ, SBI में, ACC में और अपोलो हॉस्पिटल में। बाकी मैंने अपने 20 स्टॉक जो मैंने अपने रखे हैं हुए हैं, उनमें मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। मैं SBI और अपोलो हॉस्पिटल और ACC, इसमें जो है मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही कम करता हूँ, बहुत कम। जब मेरे को बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी दिखती है तब मैं इसमें इन तीन स्टॉक को मैं टच करता हूँ, अदरवाइज मैं इनको टच नहीं करता हूँ। नेक्स्ट है मेरा डीमार्ट। तो डीमार्ट में जो है 200 की मूविंग एवरेज में शो नहीं कर रहा है, मैं कल से इसमें ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं क्या बात है, बट ये भी जो है कंटिन्यू जो है जब से ये लिस्टिंग हुई है तब से ये कंटिन्यू 200 की अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब जस्ट डायल को मैं अपने इससे
वॉचलिस्ट से शायद मैं निकाल दूंगा कुछ दिनों तक। अगर ये जो है अब 500 का लेवल अगर ये तोड़ देगा तो मैं जस्ट डायल को अपनी वॉच लिस्ट से आउट कर दूंगा। जस्ट डायल वैसे तो अभी ये जो है ये देखिए यहां पर सपोर्ट, यहां जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है यहां पर ये सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इसको, और यहां पर 200 मूविंग एवरेज का भी इसको सपोर्ट है। अगर ये 500 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें एक बहुत शार्प डाउनफॉल आने वाला है, ये बात आप देख लेना। तो अगर अगर 500 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लग जाता है तो आप इसमें FNO में या फिर इंट्राडे में जहां पे आपको सेटअप ऐसा दिखाई दे आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जस्ट डायल से भी काफी अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं 500 रुपए के नीचे, और जब ये 500 रुपए के नीचे जाएगा तो इसमें श्योर शॉर्ट मैं इसमें ट्रेड लूंगा, FNO में ट्रेड लूंगा और इसको मैं शॉर्ट करूंगा और यहां से एक अच्छी अमाउंट मैं यहां से लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पीरामल एंटरप्राइजेस। तो पीरामल एंटरप्राइजेस भी जो है अपने 200 मूविंग एवरेज को कंटिन्यू जो है इसके हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर चलता जा रहा था, लेकिन अब जो है इसने यहां पर इसको ब्रेक कर दिया है। और यहां पर ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ये देखिए एक रेजिस्टेंस ये जो ले रहा है, अगर जब ये इसको अब क्रॉस करता है 2017 के लेवल को, नियर बट 2050 हम लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 2050 का हमको वेट करना पड़ेगा। 2050 का लेवल जब ये क्रॉस करेगा फिर इसको जो है मैं इसको देखूंगा अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर जो है इसमें इन्वेस्टिंग के लिए। बट अभी जो है मैंने पिरामल को जो है मैंने काफी दिनों से मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा जो है PVR, तो PVR भी एक काफी अच्छा स्टॉक है और एक क्वालिटी स्टॉक है। तो ये भी देखिए 200 अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंटिन्यू ये ट्रेड कर रहा है, इसने आज तक कभी 200 का मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है। हाँ कई बार इसके पास जो है आया है 200 मूविंग एवरेज के पास आया है, बट यहां पर हैमर कैंडल बनाकर ऊपर निकल गया है। यहां पर भी देखिए सेम यहां पर ऊपर गया और उसके बाद फिर ये इसने दोबारा फिर इसको टेस्ट किया 200 के मूविंग एवरेज को, और यहां पर ये देखिए आप देख सकते हैं इसने एक जो बना दिया, मैं सॉरी सा कलर चेंज कर देता हूं आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो यहां पर इसने हाँ डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बनाने के बाद फिर इसने ये हाई जो है जो पिछला हाई इसने लगाया था ये हाई तोड़ा और शू बूम बूम करके ये ऊपर निकल गया। अभी भी इसमें देखिए अगर कोई मेरा फ्रेंड कोई दोस्त मेरा अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो इसमें ध्यान रखिएगा, अभी ये जो अपने लाइफ टाइम हाई पर ही ट्रेडिंग कर रहा है और यहां पर ये जो है एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैं वाइट कर देता हूँ और ये थोड़ा मैं थिक कर देता हूँ। ये देखिए ये डंडा हो गया और ये हो गया फ्लैग। अब इसका जब ब्रेकआउट होगा तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ब्रेकआउट मैं आपको इसमें लेवल बता देता हूँ, नियर अबाउट इसको आप 1850 रुपये के ऊपर निकलने दीजिए, 1850 के ऊपर इसमें जो है इसमें एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर ये 1700 का लेवल नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो इसमें एक डाउनफॉल आ सकता है जो कि 1650 और 1750 के लिए हो सकता है। तो इसमें जो है PVR काफी अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, तो इस पे भी आप अपना इसको चाहे आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा श्री राम ट्रांसपोर्ट, दैट इज माय फेवरेट स्टॉक। ये देखिए श्री राम ट्रांसपोर्ट भी जो है कंटिन्यू जो है 200 की मूविंग एवरेज पे आता है, फिर वहां से 200 की मूविंग एवरेज को होल्ड करके फिर ऊपर निकल जाता है, फिर वहां पर आता है, फिर उसको होल्ड करके ऊपर निकल जाता है। तो ये ऐसा ये काफी दिनों से इसी तरह ये चल रहा है, लेकिन अब जो है ये एक साइडवेज में हो गया है। साइडवेज का मतलब ये देखिए 200 का मूविंग एवरेज जो है इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया, फिर ऊपर क्रॉस किया, फिर नीचे क्रॉस किया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अभी जो है ये एक साइडवेज इसको हम कहते हैं कि अगर मूविंग एवरेज बीच में घूम रही है और जो है स्टॉक का प्राइस जो है कभी मान लीजिए यहां पर 1250 को टेस्ट कर रहा है, उसके बाद फिर 850 को टेस्ट कर रहा है, तो मतलब इसी 400-500 के रेंज में घूम रहा है, तो इसको हम कहते हैं अपना साइडवेज मार्केट। सॉरी गले में थोड़ी इन्फेक्शन है मेरे 2-3 दिनों से। तो अब हम इसको ट्रेड करेंगे जब ये 1300 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा, 1300 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा तो मैं इसको अपनी पोर्टफोलियो में जरूर 100% ऐड करूंगा अगर जब ये 1300 रुपये का लेवल क्रॉस करता है। नेक्स्ट है मेरा SRF। SRF भी एक बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, आप चाहें तो इसको अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, बट अभी ध्यान रखिएगा अभी अपने लाइफ टाइम हाई के नियर अबाउट ये जो है ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा जो है इसमें पुल बैक आने दीजिए, जैसे नीचे की तरफ आए आपको थोड़ा नीचे के लेवल पर मिले तो आप SRF में ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा ICICI प्रू। ICICI प्रू भी इसमें भी देखिए
जो है 200 को मूविंग एवरेज इसमें भी नहीं शो कर रहा है, बट यहां पर जो है थोड़ा सा इसने 200, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहां पर कुछ दिन के लिए 200 मूविंग एवरेज उसने ब्रेक किया था, बट कंटिन्यू फिर इस जो है हायर हाई लगाते हुए चले गया। तो अभी भी इसमें ध्यान रखिएगा कि अभी अपने अगर तो अपने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो अब भी इसको जो है थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, अभी काफी ऊपर हायर लेवल पर है। हाँ, अगर इसमें आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं तो इसमें आप जो है 510 रुपए के ऊपर इसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं, 4-5 दिनों को होल्ड कर सकते हैं, आपको 525 या 530, 540 का लेवल ये दिखा सकता है। नेक्स्ट और मेरा लास्ट जो स्टॉक है वो कहाँ गया भाई, अरे कहाँ गया यार, लगता है शायद इसमें शो नहीं कर रहा है, वो है मेरा HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ भी मेरा फेवरेट स्टॉक है, जिसमें मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ और पोर्टफोलियो में भी है मेरे, उसमें जो है मैंने लॉन्ग इन्वेस्टिंग जो है एक स्टॉक, दो स्टॉक, पांच स्टॉक, मतलब जैसे मतलब मेरे पास प्रॉफिट आता है मैं उसी में से लेता हूं। मैं कोई अपनी जेब से पैसे लगा कर नहीं लेता हूं कि हाँ मैंने आज 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल लिए या फिर उसी से मैंने अब स्टॉक लेना चालू कर दिया, मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं जो मेरा वीकली जो भी होता है उसको उसी पैसों से मैं जो है स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ, और जो है मैं कोई नए पैसे नहीं डालता हूँ कि स्टॉक खरीदने के लिए, मैं अपने प्रॉफिट को कभी विड्रॉल नहीं करता हूँ। वैसे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करना चाहिए, अगर आपको पैसे जरूरत है तो आप अपने प्रॉफिट जो है हर वीकेंड पे अपना विड्रॉल कर लीजिए, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं जो करता हूँ वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जो भी मेरा प्रॉफिट बनता है मैं उस प्रॉफिट से जो है मैं अपने पोर्टफोलियो का साइज बढ़ाता हूँ, मैं स्टॉक्स नवे ऐड करता हूँ। तो ये मेरा ट्रेडिंग करने का स्टाइल है, लोग क्या करते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चीज कर रहा हूँ वो चीज आपको बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से ये चीजें करता हूँ, ये मेरे फेवरेट स्टॉक हैं और इसमें मैं इंट्राडे ट्रेडिंग और मतलब मैं 80% जो अपने मेरे ट्रेड जो होते हैं, मेरे जो इंट्राडे ट्रेड होते हैं और जो मेरे पोजिशन ट्रेड होते हैं वो इन्हीं जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं इन्हीं स्टॉक्स में से होते हैं, और 20% कोई ट्रेड मेरे को बहुत ही ज्यादा कोई हाई प्रोबेबिलिटी स्टेप सेटअप कोई मिल गया तब मैं जाकर उसमें ट्रेड करता हूँ, वो भी उसमें बहुत 4 से 5 कंफर्मेशन होनी चाहिए तब जाके मैं उसमें ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज मैं उनमें ट्रेड नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो मेरे 20 स्टॉक्स जो है इसमें मेरे को इसकी एक एक मूवमेंट का पता है कि इसका सपोर्ट कहाँ है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, इसका मेरे को बिहेवियर पता है कि HDFC बैंक किस तरह से बिहेव करता है या फिर रिलायंस किस तरह से बिहेव करता है या फिर बजाज फाइनेंस किस तरह से बिहेव करता है। तो सबसे पहले आप स्टॉक के बिहेवियर को समझिए कि स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है, उसके प्राइस को देखिए, और जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ, देखिए इंडिकेटर वैसे मैं यूज नहीं करता हूँ, बस मेरे जो है चार्ट में लगे रहते हैं, एक मैं RSI यूज करता हूँ और एक मैं स्टोकेस्टिक यूज करता हूँ, बस मैं ये दो यूज करता हूँ, वो भी सिर्फ अपना ओवरसोल्ड और ओवरबॉट देखने वगैरह के लिए, या फिर मैं यहाँ पर जो है अपना RSI भी मैं यूज करता हूँ, मतलब ये मेरे चार्ट में लगे रहते हैं, डाइवर्जेंस वगैरह का भी देखनी होती है तो इसलिए मैं सिर्फ ये दो अपना यूज करता हूँ, वॉल्यूम भी कभी कभी चेक कर लेता हूँ, बाकी ये मूविंग एवरेज जो है मेरे मैं वो मूविंग एवरेज कोई कभी लगा के चेक कर लेता हूँ, बट मैं ज्यादातर फोकस जो है प्राइस पर करता हूँ, प्राइस पर जो प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और स्टॉक के मैं बिहेवियर देखता हूँ, मतलब जैसे इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक मेरे को लगता है मैंने 100 ट्रेड में से 95 ट्रेड में इंडसइंड बैंक में पैसे बनाए होंगे, कोई 5 ट्रेड में मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, वैसे ही मेरा ACC है, वैसे ही मेरा SBI है, तो इन सब ट्रेडों में मैंने काफी अच्छे पैसे बनाए हैं, जो है SBI, ACC, अपोलो हॉस्पिटल, ये मेरे तीन जो है मेरे इंट्राडे फेवरेट स्टॉक है। तो इस तरह से आप अपनी वॉच लिस्ट बना लीजिए कि आपको जो है इंट्राडे ट्रेड के लिए, जैसे मतलब आपने निफ्टी 50 के 5 स्टॉक उठाइए, वो ट्रेड अपने जो है वॉच लिस्ट में ऐड करिए, आप कंटिन्यू उसी में अपना इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए 5-10 स्टॉक उठा लीजिए, कंटिन्यू उसी में करिए, जब आप उसमें ट्रेडिंग करने लग जाएंगे तो आपको उसका बिहेवियर पता चल जाएगा, ठीक है ना। आप 100 स्टॉक के पीछे मत भागिए, 200 के पीछे मत भागिए, आप किसी एक चीज में जो है परिपूर्ण हो जाइए, मतलब फुलफिल हो जाइए उस चीज में, और आपको पता रहेगा कि इसमें क्या आज क्या मूवमेंट होने वाली है। मान लो आज ये SBI 300 के लेवल पर है तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत जो है यहाँ पे एक हर्डल है, सपोर्ट है, तो यहां से जो है अब ये स्टॉक नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है, ऊपर जा सकता है, और जहां पर आपको ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है, 2-3 कंफर्मेशन मिले तो आपने वहां पर ट्रेड लगा लिया, पैसे बना लिए। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा स्टॉक के पीछे मत भागिए, एक अपनी इंट्राडे की वॉच लिस्ट बनाइए, एक अपनी स्विंग ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट बनाइए, और कंटिन्यू 6 से 7 महीने उसमें ट्रेड करिए, इंट्राडे ट्रेड कम से कम 200 ट्रेड करिए,
जो आप इंट्राडे की बॉचेस बनाएंगे उसमें कम से कम 100 से 200 ट्रेड करिए, और उसमें जो है आप इसको जो है कंटिन्यू अपनी कॉपी में नोट करिए, इसको जो है अपनी एक्सेल शीट वगैरह में कंटिन्यू करिए, और देखिए कि मतलब आप किस तरह से प्रॉफिटेबल में आ जाते हैं। और सेकेंडली, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है। मनी मैनेजमेंट फॉलो करिए, मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए हैं, तो उसको जो है 5,000 रुपए के चार पार्ट में उसको डिवाइड करके, तो इस तरह से आप ट्रेड करिए। मान लीजिए 5,000 रुपये आपने एशियन पेंट में लगा दिए, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, और 5,000 आपने बजाज फाइनेंस में लगा दिए, 5,000 रुपये आपने हीरो मोटोकॉर्प में लगा दिए, 5,000 रुपये आपने टाइटन लगा दिए, इस तरह ट्रेड करिए। कम से कम 1:2 और 1:3 की रेशियो जरूर रखिए, ठीक है ना। और जो है मतलब ऐसा मत करिए कि मतलब स्टॉक जो है आपको 5 रुपये दे रहा है तो आप 5 रुपये लेकर निकल जाइए, नहीं, आप जो है आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करिए। क्या पता उस दिन उस SBI ने आपको 40 रुपए देने हो, क्या पता 30 रुपए देने हो, तो जल्दबाजी मत करिए, जो है हौसले से काम लीजिए, माइंड सेट अपना जो है बहुत अच्छा बना के रखिए, ठीक है। तो मैं बस आपसे यही कहते हुए अलविदा लूंगा। बाकी मैं अपने नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मैं आपके लिए आने वाले टाइम में मैं काफी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं ले आने वाला हूँ, पूरी टेक्निकल की सीरीज मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू।